और अब खबर है मणिपुर से। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग। जिरीबाम में दो अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है। हिंसक घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई है। घर में घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। कुकी और मैतेई के बीच फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है। कुकी और मैतेई दो ऐसे समुदाय हैं जिनको लेकर लगातार मणिपुर में विवाद बना रहता है। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई है। जिरीबाम में अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते हुए गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंद्र सिंघा के रूप में हुई है। वो घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना इसके बाद हुई। इसमें कुकी और मैतेई समुदाय के बीच गोलीबारी हुई है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इलाके में सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो जिरीबाम में हिंसक घटना हुई है जिसमें कुकी और मैतेई के बीच फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है। निबिर डेका हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। निबिर, क्या जानकारी है, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ, 5 लोगों की जान चली गई है? देखिए, मणिपुर में लगातार 2-3 दिन से जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, पहले तो ड्रोन अटैक, दूसरे में बाद में रॉकेट बॉम्ब अटैक, और आज जो है डायरेक्ट फायरिंग में 4 लोगों की जाने गई है जिरीबाम में, जहां पे एक आदमी जो सो रहे थे उनको भी अटैक किया गया। सो हिंसात्मक घटना बहुत ही बढ़ रही है। फायरिंग अभी भी बहुत कई जगहों पे अभी भी चल रहा है, और मेन जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही है वो पहाड़ और वैली के बीच में जो एरिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पे ज्यादातर हो रहे हैं। और इसी के कारण जो है हमने देखा है कि कैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और मणिपुर पुलिस कमांडोज है, उनको डिप्लॉय किया गया है उन जगहों पे, ताकि ये हिंसात्मक घटना को रोका जा सके। हालांकि फिर भी यहाँ हम देख रहे हैं कि फायरिंग के वजह से और ये बॉम्ब अटैक के वजह से लोगों के जाने गए हैं। ना केवल जिरीबाम में, मोइरांग, विष्णुपुर, सुगनू, बहुत सारे जगहों पे फायरिंग अभी भी चालू है। तो इसी के कारण जो है मणिपुर में जो पिछले सालों से जो मणिपुर में वहाँ पे जो हिंसात्मक घटनाएं हो रहे थे, जहाँ जिसके कारण 150 से भी अधिक लोगों के जान गए थे, अभी वापस फिर से वो उस तरह की जो हिंसात्मक घटनाएं वापस आ रही है। और इसी की वजह से जो कुकी और मैतेई संप्रदाय है उनमें से बहुत लोगों की जाने भी गई है इन लास्ट 2-3 डेज में। बिल्कुल। और निबिर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हिंसक घटनाएं हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष तमाम सवाल खड़े करता रहा, कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल खड़े होते रहे, और पिछले 1-1.5 साल में देखा तो कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कई बार बड़ी संख्या में लोगों की जानें भी चली गई हैं। इस तरह के हालात आखिरकार यहाँ पर अगर बन रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है और कैसे इन हालात पर काबू पाया जाए? देखिए, जिम्मेदार कौन है कहना दिक्कत है, क्योंकि दो संप्रदाय के बीच में जो ये युद्ध हो रहा है पिछले साल से, और वहाँ पे बहुत लोगों के जाने भी गए हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने लोग मारे गए हैं। और हालांकि 6 महीने से तो वहाँ पे थोड़ा अमन आया था, लेकिन फिर से लास्ट हफ्ते से जो हमने देखा कि किस तरह फायरिंग हो रहा है, किस तरह हाई लेवल वेपन्स, जो कि एक हाई ग्रेड वेपन्स ड्रोन यूज करके बॉम्बिंग हो रहे हैं, तो उससे फिर से जो है टेंशन मणिपुर में वापस आ गया है। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि कैसे अमन लाया जा सके। उसी के कारण जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस कमांडोज मिलके कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं इन्हीं जगहों पे जहाँ पे फायरिंग हो रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और एक चुनौती ये है कि ड्रोन अटैक्स और रॉकेट अटैक्स को रोकने के लिए पहाड़ी एरियाज में जो है वो लोग तनाव है, तो अपने तरफ से सिक्योरिटी को फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नाकाम रहे हैं किसी किसी जगहों पे। और जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हिंसात्मक घटनाओं की वजह से लोगों के जाने गए हैं, विलेज वॉलेंटियर्स, मतलब गांव के जो रक्षक है अपने अपने गांव में, विलेज वॉलेंटियर्स के बीच में भी झगड़ा हुआ है, उनके बीच में भी फायरिंग हुआ है, तो एक बहुत ही सेंसिटिव स्थिति है अभी मणिपुर में। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है,
और कैसे इन स्थितियों पर काबू पाया जाए, क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल से जिस तरह से मणिपुर जल रहा है वो वाकई तमाम सवाल यहाँ की प्रशासन को लेकर खड़े करता है। और आखिरकार कैसे दोनों समुदाय के बीच बातों को सुलझाया जा सकता है या मांगे मानी जा सकती है, इस पर कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए। निबिर, होम मिनिस्ट्री से भी बहुत सारे ऑफिशियल्स मणिपुर में आए थे ताकि वो एक जो है स्टेबिलिटी और पीस की तरह बढ़ सके। हालांकि सिक्योरिटी एडवाइजर भी मणिपुर के लिए दिया गया था और नया डीआईजी का भी चेंज हो गया था, पुराने डीआईजी को भी हटाया गया था, फिर भी ये जो हिंसात्मक घटनाएं हमने फिर से देखा है उसी के कारण में मणिपुर में एक डिमांड है कि जो सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाया जा सके। वहाँ के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है कोकोमी, उन्होंने भी डिमांड किया है कि प्रशासनिक एक चेंज होना चाहिए। जो लोग प्रशासन में अभी है, जो जिनको जिम्मेदारी दिया गया है पीस और स्टेबिलिटी का, अमन का जो जिम्मेदारी उनको दिया गया है, क्योंकि ये फायरिंग हो रहा है फिर से लोगों के जाने जा रहे, तो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक डिमांड आया है कि एक चेंज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हो, ताकि ये सब घटनाओं को काउंटर किया जा सके। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।